एक तरफ भागलपुर पुलिस निहत्ते लोगों और पत्रकारों पर लाठी चार्ज करने में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर बेलगाम अपराधियों द्वारा भागलपुर में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का छत विछत शव मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने देखा। मंदिर में शव होने की सूचना आग में जंगल की तरह फैल गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में आसपास के लोग मंदिर परिसर पहुंचे। लोगों ने इसकी सूचना बबरगंज थाना पुलिस को दी। मृतक की पहचान पूर निवासी रितेश कुमार उर्फ मुखिया मंडल के रूप में हुई है, जो एक हत्याकांड का आरोपी था और हाल के दिनों में जेल से बेल पर छूटकर बाहर आया था। मृतक का भाई मुकेश मंडल ने बताया कि कुछ दिन पूर्व भागलपुर के शीतला स्थान चौक पर हुए मर्डर केस में उसके भाई को भी आरोपी बनाया गया था, जबकि वह मर्डर दिलीप मंडल के पुत्र ने किया था। जब से उसका भाई जेल से बाहर आया था उसी समय से दिलीप मंडल कहता था कि उसका बेटा अगर जेल से नहीं निकलेगा तो उसके भाई को भी मार देगा। उसके भाई की हत्या उसके पड़ोसी मंटू मंडल ने दिलीप मंडल के इशारे पर किया है। वहीं पूरे मामले पर सिटी डीएसपी अजय चौधरी ने बताया कि मंदिर परिसर से शव बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि ईंट से कुचलकर रितेश की हत्या की गई है। पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। जल्द ही हत्याकांड में शामिल सभी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। की पूजा अर्चना के क्रम में इस थाना की सूचना मिली कि यहाँ पे लाश पड़ी हुई है। लाश के मृतक की पहचान कर ली गई है। मृतक का नाम रितेश कुमार है, मुखिया मंडल है। उनका घर भैरवगंज हबीपुर में है। मृतक की हत्या हुई है या गोली है तो जख्म का निशान रखा गया है। मृतक को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है और हमारी टीम के द्वारा जो भी कारण है उसका पता किया जा रहा है। यहाँ के जो आसपास में जो भी सीसीटीवी है तो उसको भी खंगाली जा रही है। साथ में एफएसएल को भी जो टीम है उसको भी सूचना दी गई है। डॉग स्क्वाड भी आ रही है और जो भी पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हर दिन है उसकी जांच चल रही है। प्रथम दृष्टया से क्या लग रहा है? यहाँ पे एक ईंटा बरामद हुआ है इसको जस्ट लास्ट के बगल में। ऐसा लगता है कि ईंट से ही मार के, हालांकि उसके शरीर पर कुछ जख्म देखे हैं तो ये मेडिकल रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बहुत कुछ बताया जा सकेगा। हमें उसका इंतजार करना चाहिए। एफएसएल की टीम भी आएगी, वो भी अपना सैंपल ले जाएगी, उसके भी रिपोर्ट का हमें इंतजार करना चाहिए। सर, परिजन जो है पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं और जो भी है कारण है, जो भी बातें सामने आ रही हैं उन सब की जाँच होगी और उसी हिसाब से करना। भागलपुर में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह एमएलसी शहनवाज हुसैन ने भागलपुर में हुई घटना पर प्रेस वार्ता की। भागलपुर में बीते दिनों अनशन पर बैठे भाजपा नेताओं को घसीटकर पीटने व पत्रकार को पीटने के मामले में शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में ममता बनर्जी जब से आई है उनका असर यहां पड़ा है। सरकार जब तब लाठी चार्ज कर रही है, गोली मार दे रही है। भागलपुर की भाजपा नेता शांति से अनशन पर बैठे थे, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। कई कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया है, यह से जायज नहीं है। पत्रकार पर भी हमला कर दिया गया। पूरे मामले में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से धरना देते रहें। पटना में शांतिपूर्ण मार्च था, बिना बात के लाठी और गोली चला दी, आंसू गैस चला दिया, एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी बिहार पुलिस ने। और लीपापोती करने के लिए उसको अब मौत को अलग दिखाने का काम किया। ये सरकार जुल्म ज्यादती की सरकार बनती जा रही है। रोहित पांडे जी जिला अध्यक्ष रहे हैं, भाजपा के समझिए 400 वोट और होता तो विधायक होते। प्रशासन को मालूम है इनके बारे में, लेकिन जिस तरह से उठाकर जबरदस्ती ले जाना, फिर जब वहाँ ले गए तो कहीं भी नहीं कहा कि आपका धरना समाप्त करा रहे हैं, बल्कि ये कहा कि मेडिकल के लिए ले जा रहे हैं। तो जो मेडिकल के लिए ले गए तो मेडिकल वाली धरना स्थल पे छोड़ देते, वो भी नहीं छोड़ा। और हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया। बिहार सरकार और बिहार पुलिस ये समझ ले कि बीजेपी के कार्यकर्ता इतने कमज़ोर नहीं हैं, मुकदमों से डरने वाले नहीं। हमारे करीब 22 कार्यकर्ता पे मुकदमा हुआ,
51 कार्यकर्ता पे मुकदमा दर्ज कर दिया और नौगछिया में भी एक बच्ची का आंख गया था, अति पिछड़ा समाज निषाद समाज की बच्ची थी, उसके लिए हमारे जिलाध्यक्ष मुक्ति निषाद जी ने अगर वहाँ पर बीच बचाव न किया होता तो बहुत घटना बड़ी हो जाती। तो उसको भी हमारे कार्यकर्ताओं पर नौगछिया में भी दंगा भड़काने का मुकदमा दर्ज कर दिया। ये क्या हो रहा है? ये भागलपुर के अंदर राजद कांग्रेस के राज में तनाव रहा है, भारतीय जनता पार्टी भागलपुर में सौहार्द के पक्ष में रही, हम सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के पक्ष के लोग हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समाज के हर वर्ग को लेकर चलना चाहते हैं, और अभी तो पसमानदा मुसलमानों को कैसे जोड़ना है इस पर वो पार्टी की तरफ से निर्देश हम लोगों को दे रहे हैं। हम लोग समाज में एक नज़र से लोगों को देख रहे हैं, प्रशासन से भी कहना है कि जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट टू नन, यानी आप तुष्टिकरण किसी का मत कीजिए, न्याय सबके साथ कीजिए। और लेकिन जिस तरह पहले कहा गया, थाने में जब पता लगा हमारे रोहित जी को भी हाजत में बंद किया हुआ था, महिला कार्यकर्ता को भी हाजत में बंद किया हुआ था, मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया, आप कह रहे हैं कि हाजत में बंद नहीं है, ये लोग तो हाजत में बंद हैं। उन्होंने कहा मैं चेक करके देखता हूँ। फिर संतोष जी वहाँ पे थे, मैंने इनसे बातचीत किया, मैं 24/7 कॉन्टेक्ट में था अपने कार्यकर्ताओं के, एक एक पल की जानकारी हमारे पास थी। मैं फिर पटना आया और कल कोर ग्रुप की बैठक थी, उसमें भी हम लोगों ने भागलपुर की स्थिति पर चर्चा की। लेकिन प्रशासन को साफ कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इतना कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं। हम लोग इस विषय को प्रदेश अध्यक्ष जी से बातचीत हुई है, इसको उच्च स्तरीय लेवल पर उठाने का काम करेंगे। और हमारे जो कार्यकर्ताओं पर मारपीट हुआ है तो क्या पुलिस मारपीट करेगी तो उस पर केस नहीं होगा, कार्यकर्ताओं की तरफ से भी मुकदमा होगा। और अभी तो मुजफ्फरपुर में 3 माइनॉरिटीज़ के लड़के थे, एक को बुरी तरह मारकर पुलिस ने मार दिया और 2 अस्पताल में बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल गया, मैं और राजीव सिंह जी गोपालगंज के एमएलसी और एक राजू सिंह जी, 3 सदस्यीय दल कल वहां पे गए थे कि किस तरह लाठी गोली की सरकार चल रही। इस मुद्दे पर हम लोग पूरी तरह प्रदेश नेतृत्व से बातचीत करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। किसी भी शर्त पर हम अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सौहार्द चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है इससे समाज में बहुत गुस्सा है और बहुत ज़्यादा विरोध है प्रशासन के खिलाफ। प्रशासन को इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सैलून, लुक सैलून। लुक सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं। तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सैलून अपनी सभी प्रकार की सर्विसेज पर 20% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सैलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं।
भागलपुर में एक बार फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन की सजगता से टल गया। मामला जिले के कहलगांव अनुमंडल के सनोखर थाना क्षेत्र की है, जहां एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के रविंद्र सत्येंद्र के आवागमन के मुख्य रास्ते पर लोहे का गेट लगाकर बंद कर दिया था, जिससे रविवार दिन भर से लोग अपने घरों से नहीं निकल सके। इसके बाद पीड़ित ने उक्त घटना की जानकारी सनोखर थाना पुलिस को दी। सनोखर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रास्ता बंद करने वाले पक्ष को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग समझने को तैयार नहीं हुए। घटना की जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी और SDPO को दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए आनन फानन में मौके पर SDM और SDPO पहुंचे और उक्त घटना को समझाने के बाद रास्ता अवरुद्ध करने वाले पक्ष को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे लोग अधिकारियों से उलझ गए। हालांकि सख्ती बरतने के बाद वो लोग माने। SDM ने आश्वासन दिया कि आगामी बुधवार को दोनों पक्ष सनोखर थाना परिसर में बैठकर आपसी सुलह समझौता करेंगे, तब जाकर मामला शांत हुआ। बता दें, इस घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया था और तनाव बिगड़ने ही वाला था कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करा लिया। मेरा बाप दादा शुरू से इसमें आते रहे हैं और जाते रहे हैं, कोई चीज का दिक्कत नहीं है। दोनों का जमीन है आधा आधा, उसमें ये फाटक लगा रहा है। फाटक लगा रहा है कि लग गया? लग गया। अब कैसे जाइएगा? अब कैसे जाएंगे, अब क्या करेगा? इसकी शिकायत वगैरह कहीं की है? किए हैं, थाना में किए थे, रोके भी थे थाना में, लोग जबरदस्ती लगा दिया। वहाँ आप लोग कितने घर होंगे जो इस रास्ता बंद करने से कितने घरों के लोगों को परेशानी हो रही है? रास्ता 100 वर्ष पहले चली रोचले और अखनी मैम जैसे नापी तपी सब बोले अमीन तमीन सब अल दूनोर बराबर छे। जब अब हमरो आधो रास्ता छे तो अभी मैं घेरी रहलो छे पूरा प्रशासन थाना सनोला सटखई कागज फैली गए, तब पर भी कोई निर्णय ना ले, गेट आके न लगे। कोई त्यौहार होता है, ये तीनों परिवार ठीक ठाक से रहता है और कोई उपद्रवी बाहरी उपद्रवी आके स्थिति को ऐसा कर देता है कि हिंदू मुसलमान होने की ज़्यादा संभावना रहता है, जिस वजह से हम नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो और आपस में भाईचारा खराब हो। इस वजह से उन लोगों से हम अपना सुरक्षा के लिए ही कि ताकि भाई सही सलामत रहें और इस वजह से ही हम गेट लगाना चाहते हैं। नहीं, विपक्षी जो भी बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। वो कहे कि उन लोग अपना जो रास्ता रखे थे वो अपना ब्लॉक कर दिए हैं और मेरे रास्ता से भाई जबरन वो लोग चलना चाह रहे हैं। तो आपको प्रशासन से क्या मांग है? मेरा प्रशासन से यही मांग है कि मेरा रैयती जमीन है और मेरा जितना जमीन है उतना जमीन हमको नौपी करके सरकार द्वारा दिला दी। अगर उन लोगों का विपक्ष का कहना है कि सरकारी योजना से बना हुआ है तो सरकार के यहाँ इसका लिस्ट होगा, वो हमको लिस्ट प्रोवाइड करा दे, हम मानने के लिए तैयार है। वो हम अपना पैसा से बना है, नाला नहीं बना है, नाला सरकारी पैसा से बना हुआ है, वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में आज 508 स्टेशनों के जीर्णोद्धार कार्य का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया। इसमें से भागलपुर के पीरपैती, सुल्तानगंज, कहलगांव व नौगछिया स्टेशन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। यहां विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। भागलपुर के पीरपैती में पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता SMLC शाहनवाज हुसैन कार्यक्रम में शामिल हुए। पीरपैती स्टेशन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अमृत भारत योजना के तहत किए जा रहे कार्यों को गिनाया। पीरपैती स्टेशन का 17,33,00,000 की लागत से जीर्णोद्धार होगा। इसके तहत वहां फुट ओवर ब्रिज का चौड़ीकरण किया जाएगा, आधुनिक एस्केलेटर की सुविधा, वेटिंग रूम, एग्जीक्यूटिव लॉन्ज बनाया जाएगा। स्टेशन के प्रवेश व निकास द्वार को सुसज्जित किया जाएगा। शाहनवाज हुसैन ने PM मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। देखिए, प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार है कि उन्होंने बिहार के अंदर सबसे ज्यादा स्टेशन देने का काम किया अमृत भारत में, और भागलपुर लोकसभा में भी नौगछिया, कहलगांव, पीरपैंती ये तीन स्टेशन और भागलपुर जिला का चौथा स्टेशन सुल्तानगंज, वो भी अमृत भारत में आज उसका शिलान्यास हो रहा है। लोगों में इतना उत्साह है, देखिए तिल पैर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री को सब लोग प्यार करते हैं और प्रधानमंत्री जी ने अमृत भारत में पीरपैंती का नाम, कहलगांव का नाम, नौगछिया, सुल्तानगंज का नाम शामिल करके भागलपुर की जनता पर बहुत कृपा की है। हम सब प्रधानमंत्री के बहुत ऋणी हैं, आज इसीलिए खास तौर पे पीरपैंती में हम लोग।
लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान देर रात भागलपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने शनिदेव मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं भागलपुर में भाजपा नेताओं व पत्रकार पर हुए लाठीचार्ज मामले में सरकार पर जमकर हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि सरकार मुख्यमंत्री, छात्र, किसान, आम लोग, नेता और अब पत्रकार पर लाठी चला रही है। बिहार में IPC की धारा की फिर जरूरत ही क्या है? राहुल गांधी को स्टे लगा है, ये मुख्यमंत्री के लिए चिंता का विषय बन गया है। अगुवा बनने का प्रयास कर रहे थे, नाराज होकर आए। मुख्यमंत्री को साइड करके राजद और कांग्रेस के नेता आपस में मिल रहे हैं। बिहार में लाठी गोली की अब ये सरकार बन के रह गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और उनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। शासन प्रशासन कानून व्यवस्था बनी रहे, ये जिम्मेदारी प्रदेश के गृह मंत्री होने के नाते हमारे मुख्यमंत्री की बनती है। पर ऐसे में जब उन्हीं के ही प्रशासन के लोग हाथ में डंडे और बंदूक का इस्तेमाल करने लग जाएं, और आम बिहारियों से लेके समाज का कौन सा ऐसा वर्ग है भाई, छात्र उतरते हैं तो उन पे लाठी, शिक्षकों पे लाठी, अभ्यर्थियों पे लाठी, किसान सलाहकारों पे लाठी, अलग अलग वर्ग के लोग उनके ऊपर लाठी, राजनीतिक क्षेत्र से आने वाले लोग उन पे लाठी, प्रेस मीडिया के साथियों पर भी लाठी, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो ये अपने में दर्शाता है कि पूर्णतः भाई, जो लोग बोलते हैं जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज की सरकार, मुख्यमंत्री बोलते थे ना ये शब्द जंगल राज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है। 2005 में जंगल राज का विकल्प बनकर ये आए थे, और आज उसी जंगल राज के साथ हाथ मिलाकर महाजंगल राज की परिस्थिति इन्होंने बिहार में उत्पन्न कर दी है। क्यों नहीं भैया, ये कानून की सारी धाराएं फिर समाप्त कर देते हैं। ज़रूरत क्या IPC की किसी भी धारा की, अगर आपको सिर्फ लाठी और गोली से ही समस्या का समाधान करना है तो ये अपने में दर्शाता है कि आपको कानून की और किसी धारा की फिर ज़रूरत नहीं है। अगर हर व्यक्ति पे लाठी चलाकर, और हद तो तब हो गई भाई, अभी हम लोग कटिहार से आ रहे हैं, वहाँ पर जिस तरीके से दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तीसरे का इलाज चल रहा है, उसके हालात इतने बद से बदतर हो रखे हैं वहाँ पे। दो लोगों की जान आपका प्रशासन ले लेता है, जिसकी जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा करने की है, वही लोग अगर हत्यारे बन जाए, और मैं हत्यारा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि गोली मारकर उनकी हत्या की गई है, वही लोग अगर हत्यारे बन जाए तो ऐसे में आम बिहारी जाएगा कहाँ? और उसमें से भी लोग ऐसे जो कि एक तो उस पे आंदोलन में भी नहीं था, आम बिहारी था, अपने भाई के लिए गया था, उसकी हत्या आपने कर दी। दूसरा व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग कर रहा था, भाई कौन नहीं जानता कि बिजली में अनियमितता कितनी है भाई, ये चिंता की बात तो उनके लिए और ज़्यादा हो गई भाई। ये ऐसे गठबंधन के लोग हैं जो कि एक दूसरे का भला नहीं, बुरा ही चाहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के सर पर पांव रखकर ही ये लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे में जब राहुल जी को जब क्लीन चिट क्या मतलब, उनकी सज़ा पे स्टे लग गया है, तो जब उनको जब स्टे उनको मिल गया है तो ये मुख्यमंत्री जी के लिए चिंता की विषय हो गया, क्योंकि अभी तक जिस गठबंधन का ये अगवा बनने का प्रयास कर रहे थे, बहुत उम्मीद है भाई, अभी भी इनको बेंगलुरु इसी उम्मीद से भागे भागे गए थे कि भाई नेतृत्व नहीं तो कम से कम हमको संयोजक तो बना ही देगा, नाराज़ होकर आए वहाँ से, क्योंकि इनको पूछा तक नहीं, पोस्टर में इनकी तस्वीर नहीं, और जो पोस्टर लगा है वो बिहार को शर्मसार करने वाले पोस्टर वहाँ पे लगे थे। अब ये फिर भागे भागे जाएंगे, इनके पास कटिहार जाने की फुर्सत नहीं है, भागलपुर आने की फुर्सत नहीं है, मुजफ्फरपुर जाने की फुर्सत नहीं है, पर ये भागे भागे मुंबई जाएंगे। क्यों? इसी उम्मीद से कि इनको कहीं संयोजक बना दे। पर जिस तरीके से कांग्रेस का धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय मुख्यमंत्री जी के लिए है। मुख्यमंत्री जी को साइडलाइन करके राजद और कांग्रेस के नेता आपस में मिल रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि भैया ये चिंता का विषय तो मुख्यमंत्री जी के लिए है। रामविलास, हम ही लोग इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन हम लोग कर चुके हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के पास अगर हर समस्या का समाधान सिर्फ लाठी है, और आश्चर्य ये है कि ये लाठी रुक नहीं रही है, मतलब हर वर्ष से गुजरती हुई लोकतंत्र में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है, धरना प्रदर्शन खूबसूरती है लोकतंत्र की। धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए लोगों के ऊपर आप लाठी चला रहे हैं, राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर आप लाठी चला रहे हैं, और अब मीडिया के ऊपर भी, मीडिया तंत्र को भी जिस तरीके से कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, ये घबराहट बौखलाहट इस सरकार की दिखाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़े लक्ष्यों के साथ निकले थे, अगवा बनने निकले थे विपक्षी गठबंधन का, पर वहाँ पे जिस तरीके से उनकी तरजीह नहीं है, उनको पूछा नहीं जा रहा है, तो ये दर्शाता है कि उस गठबंधन के भीतर एक बौखलाहट है, घबराहट है, जिसका बदला कहीं ना कहीं आम बिहारियों से लिया जा रहा है।
एक दौर था जब अफवाह के पर विनाशकारी रूप लेता था, लेकिन आधुनिक दौर में जब डिजिटल एविडेंस, टेक्निकल सर्विलांस, सीसीटीवी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा कई सारे टेक्निकल टूल्स हैं, तो सामाजिक उद्वेलन और अस्थिरता पर नियंत्रण के बजाय इजाफा क्यों दिख रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। छोटे शहर से लेकर बड़े शहरों के बीच में जो खबरें निकल कर आ रही है वो पुलिस प्रशासन और समाज के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है। बात अगर बिहार में ही भागलपुर की करें तो 1989 के सांप्रदायिक दंगे के जख्म खाए लोग आज भी अमन पसंद की चाह रखते हैं। अब सिल्क सिटी भागलपुर की पहचान गुम होने के बाद नई पहचान स्मार्ट सिटी भागलपुर के रूप में हुई है। आए दिन बवाल नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर बनी रहे, इसको लेकर स्मार्ट सिटी में विशेष तैयारी कर ली है। आगामी 15 अगस्त से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त 1900 सीसीटीवी कैमरे से शहर की निगरानी और निगहबानी शुरू हो जाएगी। भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार और एसडीएम संजय कुमार टेक्निकल अपग्रेडेशन से बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं कि छोटे शहरों में अब जो जुलूस, जलवा, प्रदर्शन और प्रतिरोध मार्च का प्रदर्शन होगा उसमें उपद्रवी कोई बवाल नहीं कर पाएगा। स्मार्ट सिटी का कैमरा और कमांड कंट्रोल रूम का बैकअप शहरवासी के हित में शायद अमन और शांति के लिए होगा। अब बिल्कुल आसान हुआ है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी आसान होगा, क्योंकि अगले एक दो सप्ताह के भीतर पूरे भागलपुर शहर में लगभग 1900 कैमरे और उसके साथ ही साथ जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो पुलिस लाइन के परिसर में अवस्थित है वह भी चालू हो जाएगा। तो भागलपुर जिले के एक एक चौक, एक एक गली के मुहाने पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसकी निगरानी 24 घंटे सतत होती रहेगी। इससे न सिर्फ अपराध के उद्भेदन में मदद मिलेगी, इसके साथ ही साथ विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जितने लोग हैं उनकी कार्यशैली पर भी हम लोग लगातार नज़र रख सकेंगे, किसके द्वारा किस स्थान पर क्या किया जा रहा है, जिससे कि भविष्य में जो अभी बहुत सारे त्यौहार भी बाकी हैं तो उसको भी हम लोग शांतिपूर्वक संपन्न कराने में इसको मदद मिलेगी। लेकिन एक बात है सर कि गरीबी जब आती है तो कहीं से उसके साथ अराजकता होता है और उस अराजकता में जो सीन बन जाता है समाज का उस पर भी आपका ये टेक्निकली बहुत सपोर्ट मिलेगा कि समाज उद्वेलित ना हो जाए। देखिए ये इस मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ कि 1900 कैमरे लगे हुए हैं और किसी स्थल पे अगर 10-20 लोगों का जुटान हो रहा है तो वह भी उसमें प्रदर्शित होगा और उसमें 24 घंटे हमारी टीम निगरानी करेगी। तो कोई भीड़ शुरुआत में 10-20 लोग ही इकट्ठे होते हैं, अगर वह उस समय संज्ञान में आ जाएगी तो हमारी 112 की टीम है, लोकल थाना की टीम है, QRT है, CIT की टीम है, किसी टीम के द्वारा उस स्थिति को तत्क्षण वहाँ पहुँच के नियंत्रण में कर लिया जाएगा ताकि छोटी घटना किसी बड़े घटना में परिवर्तित ना हो। तो इसके लिए ये पूरा जो सिस्टम, जो तंत्र विकसित हो रहा है वह काफ़ी सहायक होगा। आपका शहर सब नवासी के दंगे से जख्म खाए और वो कहीं ना कहीं से आप लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बनता है जब जब खास खास पर पर्व और त्यौहार आता है तो तब देखिए किसी के जीवन में, किसी व्यक्तिगत जीवन में या किसी शहर के जीवन में जब भी इस तरह की विभत्स घटना होती है तो उससे लोग और शहर सबक लेता है और जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि यहाँ के लोगों ने इससे अच्छा सबक लिया है और इसका जो यहाँ के लोगों कि जो संवेदनशीलता है ऐसे घटनाओं के प्रति उसमें परिलक्षित होता है। जब भी कोई छोटी से छोटी घटना भी यहाँ होता है तो यहाँ पर जितने भी हमारे शांति समिति के या विभिन्न कम्युनिटी के जो सम्मानित लोग हैं तुरंत इसमें एक्टिव हो जाते हैं पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ, ये जो छोटी घटना घटी है या कोई बड़ा रूप ना ले ले तो उससे एक अच्छा सबक लिया है और सभी लोग इसमें तत्पर रहते हैं कि इस तरह की घटना दोबारा यहाँ ना हो। टेक्निकल टूल्स, देखिए जहाँ तक टेक्निकल टूल्स का बात है तो अभी जैसे आपको पता है कि हम लोग हर एक जुलूस या फिर कोई भी पर्व में जिला स्तर से हर एक जुलूस में वीडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति करते हैं। साथ ही साथ विगत कुछ एक दो वर्षों से हम लोग ड्रोन, जैसे कि अभी मुहर्रम में हम लोगों ने 3 ड्रोन का इस्तेमाल किया जिससे बहुत ही ज़्यादा हम लोग को विधि व्यवस्था संधारण करने में मदद मिली। इसके अलावा अभी आपको जानकारी होगी कि भागलपुर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ICCC एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है जिसमें लगभग 1900 कैमरे शहर के विभिन्न जगहों पर लगाया गया है जिसमें सर्विलेंस कैमरा है, PTZ कैमरा है, इंफ्रारेड कैमरा है, नाइट विजन कैमरा है और साथ ही साथ एक AI कैमरा भी उसमें लगाया गया है बहुत सारे संख्या में, जिससे कि हम लोग निश्चित रूप से एक नए टेक्नोलॉजी के मदद से
विधि व्यवस्था को बहुत ही आसानी तरीके से संधारण कर पाएंगे। और उसमें जो कुछ मुख्य जो बिंदु हैं वो तो एक ट्रैफिक को लेके है ही PTZ कैमरा, लेकिन साथ ही साथ जो विधि व्यवस्था को लेके है कि हम लोग उसमें आर्टिफिशियल डेटा के मदद से अगर हम किन्हीं का डेटा फीड करते हैं तो उनको हम लोग लोकेट कर सकते हैं कि वो अभी शहर के किस हिस्से में है। तो निश्चित रूप से इसमें पुलिस प्रशासन को बहुत मदद मिलेगी, ना ही केवल अपराधियों को कंट्रोल करने में, इसके अलावा जो जुलूस निकलती हैं सर्विलेंस कैमरा के मदद से अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो हम लोग उसको बहुत त्वरित गति से उसका आइडेंटिफिकेशन करके उस मामले का निष्पादन कर पाएंगे। भागलपुर की नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपानाला पुल के नीचे पानी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। शव नाथनगर के ही रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज का बताया जा रहा है। मृतकों के परिजनों का कहना है कि गुरुवार की दोपहर इम्तियाज घर से खाना खाकर निकला और फिर वापस नहीं आया। युवक लूम चलाने का काम करता था। युवक के लापता होने की सूचना थाने को भी दी गई थी लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला। वहीं शर्ट और कपड़े से उसके परिजन बता रहे हैं कि वो इम्तियाज का ही शव है। वहीं शव मिलने की सूचना पर काफी संख्या इलाके के लोग इकट्ठा हो गए और थाने के पास आकर घेराव कर दिया, जिसके बाद मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। पहचान हुआ तो लुंगी से अभी तक पहचान नहीं है। अच्छा, बाकी अभी सामने नहीं आया। मैं लुंगी हमारा घरे का है। अच्छा, शर्ट भी हमको लगता है मेरे घरे का है। क्या नाम है उसका? इम्तियाज नाम है। कब से लापता? जुमरात रोज से 3 बजे से गायब है। अच्छा, तो इसको लेके आप लोग खोजबीन? पूरा खोजबीन हम लोग कर रहे हैं, मगर अब तक तो आश्रय देख रहे हैं। थाना में रिपोर्ट किए? पहले तो अभी तक तो थाना में रिपोर्ट नहीं किए हैं। खूब मुली सब लंग जा रहा है, कैसे हमारा बेटा घर आ जाए, सब यही सोच रहा। कैसे हम भी सोच रहे हैं कि पुलिस का कभी ऐसा खोमी नहीं हुआ है आज तक। तो पुलिस कभी हम लोग सोचवे नहीं किए कि ये गोल हो जाएगा। क्या बोल के घर से निकला था? कुछ नहीं, ड्यूटी पर आया। कौन ड्यूटी? पावर लूम चलाता था। कहाँ? कितना बजे? रात? रात को नहीं, दिन को आया। चंपानगर में लूम चलाता था? सरदारपुर बागवाड़ी में वो लूम चलाता था। अच्छा, आया 1 बजे दिन में खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद आधे घंटा आराम किया, उसके बाद वो घर से 3:30 बजे निकल गया। आराम से निकला तो हम लोग सोचे कम पर जा रहा। उत्ती गढ़ से जो निकला, जिससे भी पूछ रहे थे वही कहता तुम्हारा भाई को यहीं पर देखे थे 3 बजे। वही बात है। क्या लगता है, नशा भी करता था? कुछ नहीं, कुछ नहीं कर। शादी हो गया? हाँ, 3 बेटा है 1 बेटी है। क्या नाम था उसका? इसका जो मोहम्मद इम्तियाज बोले तो। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अकरम। आप कौन है? उसको उसका भाई है। कितना भाई था टोटल? 4 भाई। कितना नंबर? क्या नंबर था? ये मेरे छोटा था। तीसरा में हम है, चौथा। सबसे छोटा था भाई? नहीं नहीं, सबसे छोटा नहीं है, तीसरा नंबर से। सजला होगा? किसी से झगड़ा? कोई एकदम सही लड़का, सीधा है, बहुत सीधा लड़का है। घर दिल में आगे बढ़ने की ललक हो और कुछ अलग करने का जज्बा हो तो रास्ते भी आसान हो जाते हैं। संपन्न घर के बच्चे अगर कुछ अलग करते हैं तो उतनी हैरानी नहीं होती, लेकिन अभावों में अपनी जिंदगी गुजारने वाला अमन राज ने अपना चयन भारतीय ड्रैगन बोट टीम में बनाया है। भागलपुर के अमन राज का चयन भारतीय ड्रैगन बोट टीम में हुआ है। आगामी 7 अगस्त को थाईलैंड में होने वाले एशिया ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अमन राज पिछले कुछ समय से कोलकाता के इको पार्क में प्रशिक्षण ले रहे हैं। अमन राज भागलपुर के पर्वती निवासी लखिंदर महलदार उर्फ लाखो मंडल के पुत्र है, जो एक व्यवसायी है। अमन की उम्र लगभग 20 साल है। अमन ने रावतमल नोपानी छात्रावास से मैट्रिक और TNB कॉलेज से इंटर पास किया है। अमन राज इससे पहले बिहार का प्रतिनिधित्व कर गोल्ड मेडल भी पा चुके हैं। अमन के गुरु का नाम पंकज है, जिन्होंने मोतिहारी बुलाकर ट्रेनिंग दी थी। इसके बाद उन्होंने स्टेट लेवल पर खेला, वहीं से उनका चयन कोलकाता के लिए हुआ। वहां से 2 माह की ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद ट्रायल हुआ और उसका चयन भारतीय ड्रैगन बोर्ड टीम में हुआ है। अमन के पिता ने बताया कि मेरा सहयोग और आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। वो जो करना चाहता था मैंने हमेशा उसमें सहयोग दिया। आज मुझे बेहद खुशी है और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। अमन की सफलता को लेकर परिवार और मोहल्ले के लोगों में खुशी की लहर है और बधाई देने वाले घर आ रहे हैं। मेरा भाई पहले तो मारवाड़ी कॉलेज में दौड़ते थे, उसके बाद बिहार के टीम से खेलने के लिए गए मोतिहारी मोती झील में प्रतियोगिता के, वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हुए। और उसके बाद जो कि इसका नेशनल में इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ। अभी कलकत्ता में प्रैक्टिस कर रहे हैं। 7 तारीख को थाईलैंड के लिए जाएंगे, वहाँ नेशनल चैंपियनशिप है। बहुत बहुत खुशी है। सारे फैमिली सारे मेम्बर जो खुश हैं हमारे साथ साथ, मेरा पूरा गांव का
जो भी लड़के से सारे खुश हैं। भागलपुर के एक निजी विवाह भवन में केसरवानी महिला समिति के द्वारा सावन मेला का आयोजन किया गया। उद्घाटन भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, भागलपुर की पूर्व महापौर डॉक्टर वीना यादव, नागरिक विकास समिति के राकेश रंजन केसरी के द्वारा किया गया। मेले में डांस प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता सहित कई तरह के आयोजन किए गए। मेले में महिलाओं एवं बच्चों ने एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुति देकर खूब वाहवाही लूटी। देखिए आयोजन हम लोग बना रहे हैं सावन महोत्सव, केसरवानी महिलाएं हम लोग सारे इकट्ठे होकर सावन महोत्सव मना रहे हैं। ये हम लोग की बहुत दिली इच्छा थी कि ऐसे तो पूरे समाज के साथ होता है, लेकिन हम लोगों का इच्छा हुआ कि हम लोग सिर्फ ओनली महिलाएं मिलके इकट्ठे होकर एंजॉय करें। तो हम लोगों ने ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप का नाम रखा गया केसरवानी महिला समूह, ऐसे रखा गया। और उसी उद्देश्य को लेकर चला है कि हम लोग अकेले नहीं मिल पाते हैं, सिर्फ महिलाएं, तो क्यों ना इसी बहाने हम लोग मिलें और इंजॉय करें, खेल कूद डांस जितना भी इंजॉय हो सकता है हम लोग खूब मस्ती से करें।